स्वागत है आपका के चैनल केस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शीतू आनंद। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। द्रंगटू में अंडर 14 छात्रों की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। ठाकुर पाल सिंह ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। हमीरपुर में आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने सांसद अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश के लिए अधिक से अधिक बजट का करवाया जाए प्रावधान। ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। इंडियन एयरफोर्स ने प्राइड फुटबॉल क्लब को 3-0 से हराकर जीता प्रतियोगिता का खिताब। और डलहौजी में बारिश से हुआ मौसम खुशनुमा, पर्यटकों ने उठाया खुशनुमा मौसम का आनंद। सोमवार को द्रंगटू में अंडर 14 छात्रों की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। शुभारंभ अवसर पर स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने सभी स्कूल के खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि हिमाचल से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी खेल चुके हैं और अच्छे इनाम भी हासिल कर चुके हैं। चाहिए उन खिलाड़ी छात्रों के लिए जो कि आगामी 3 दिनों तक विभिन्न मुकाबलों में हुए। सुंदर बहुत करता हुआ थोड़ा फासा रखना है तो आज बड़ी खुशी की बात है। 14 साल के नीचे जो हमारे विद्यार्थी है द्रंग खंड 2 के खेल कूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता का यहाँ आज से शुभारंभ हो रहा है और मैं बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ जितने स्कूल के विद्यार्थी आए हैं उनके साथ सारे शिक्षक वर्ग आया है। वो 3 दिन लगातार यहाँ खेल का जो है आनंद भी उठा। आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा पर पूरे विभागों के सबसे ज्यादा पैसा जो है 6,085 करोड़ रुपया जो है हमारी सरकार खर्च कर रही है। इसमें जो है खेल कूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है और आज शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी बहुत महत्व है, क्योंकि आज हमें खिलाड़ी की जरूरत है, प्रदेश के लिए भी देश के लिए भी। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होते हैं, प्रतियोगिताएं होती है, उसमें हमारे भी हिमाचल के कई लोगों ने पीछे जो है हिस्सा लिया है और इनाम पाकर के वापस आए। हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री महोदय ने जो फैसला किया है कि हर चुनाव क्षेत्र में जो है आदर्श विद्यालय, दो आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भर्ती योजना के तहत सभी स्कूल के बच्चों को जो है वर्दी मुफ्त जो है वर्दी दी जाती है और सरकारी बसों में स्कूलों के बच्चों को मुफ्त जो है यात्रा का सरकार ने प्रबंध किया है। पंडों में 3 दिवसीय अंडर 14 बॉयज जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ जेपी गुप्ता वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता बीबीएमबी पंडों ने किया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडों में 3 दिन तक चलने वाले खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम में सदर जोन के 35 विद्यालयों के 450 बच्चे भाग ले रहे हैं। ये जानकारी स्कूल प्रधानाचार्य ने दी। हमारी इस पाठशाला में लगभग 33 स्कूल्स, जो हमारा सदर ब्लॉक है खेलों का, वहाँ से 33 स्कूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें लगभग 381 जो पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो अभी शामिल हो चुके हैं। और इसके साथ साथ ही
इस प्रतियोगिता में जैसा मैंने आपको बताया कि सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी इसमें होती हैं, तो उसके लिए भी बच्चे कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। तो लगभग जो संख्या है यह है, ये 400 को क्रॉस करने वाली है, 450 के आसपास जो बच्चे हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मुख्य अतिथि का स्वागत मेजबान स्कूल के प्रधानाचार्य व संयोजक ललित ठाकुर व शिक्षक वर्ग स्थानीय पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दौर में सभी माता पिता अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जबकि खिलाड़ी बनाने में लोग ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं, जिससे बच्चों के शारीरिक विकास में कमी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन दिमाग वास करता है, इसलिए प्रत्येक बालक को खिलाड़ी बनाना आवश्यक है। बच्चे खेलों के माध्यम से नई नई बातें सीखते हैं, खेल उनका साहस और आत्मविश्वास बढ़ाता है, खेल से उनका तन मजबूत होता है, इससे धैर्य, ईमानदारी, निष्ठा जैसे गुण बच्चों में पैदा होते हैं। खेलों से मिली हार जीत से नए नए गुण और अनुभव प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार हार से सबक लेकर अपनी कमियां दूर करनी चाहिए, उसी प्रकार जीत से हमारे जीवन में नया उत्साह और प्रेरणा भर देती है। खेलकूद में कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो खो, योगा और सांस्कृतिक प्रतियोगिता के अतिरिक्त एकल समूहगान, एकांकी भाषण और लोक नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएंगी। के चैनल के लिए पंडो से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। मंडी जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बगला में 3 दिवसीय बाल दिवसीय चेतना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में स्कूली बच्चों को योग और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। शिविर के बारे में स्कूल प्रधानाचार्य ज्योत्सना गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में सुबह सुबह बाल चेतना शिविर का आयोजन किया जा रहा है और बच्चों को इसमें योग और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। मुझे बहुत जरूरी लगता था कि बच्चों में हमारा थोड़ा विचारों में भी परिवर्तन आता है, थोड़ा फिजिकल फिटनेस के लिए योगा जैसे जरूरी है। तो हमारे इस एरिया में अभी तक वो मोटिवेशन नहीं है, वो इंस्पिरेशन नहीं है, बच्चों में भी नहीं, लोकल पेरेंट्स में भी नहीं। तो काफ़ी समय तक तो 5:30 बच्चों को ग्राउंड लाना टफ काम था, लेकिन 2-3 सेशन मैंने इनके लिए बच्चों के हेल्थ एंड हाइजीन, टीन एज हेल्थ, जंक फूड, फास्ट फूड, फिजिकल फिटनेस, ये सब चीज़ें, तो बच्चों में एक्साइटमेंट, उत्सुकता अच्छे से देखी गई और बच्चे प्रिपेयर हुए। और आज बच्चे कुछ एक पेरेंट्स भी, SNC के लोग भी, तो मैं इसको लेके काफ़ी होपफुल हूँ कि जिस पर्पस से करवाया जा रहा है सेशन के एंड में वो हम अचीव कर पाएंगे और बच्चे भी वो सब फील कर पाएंगे जो योगा का एक्चुअली इफेक्ट लाइफ में होना चाहिए, होता है। वहीं SMC प्रधान पुष्पलता ने भी योग को बच्चों के लिए लाभदायक बताया। उन्होंने इस प्रकार के आयोजन के लिए स्कूल प्रबंधन की सराहना की। योगा करना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और मतलब इससे हमारे जो कई बीमारियों का वो होता है, जो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मतलब हमारे लिए समय दिया और यहाँ पर हमारे बच्चों को कुछ मतलब योगा सिखाने आया। उधर बच्चों में भी शिविर के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला और बच्चों ने भी इस बारे में अपने अनुभव साझा किए। आज हमारे स्कूल में डॉक्टर आए थे जो एक योगा के टीचर भी हैं, उन्होंने हमें योगा करने बताया और ये भी बताया कि योगा करने से क्या क्या लाभ होते हैं। वैसे भी हमारे प्रधानाचार्य जी हमें प्रार्थना सभा में हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और एक बार उन्होंने हमारे साथ शेयर भी किया था कि जब वो उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वो चलना भूल गए थे क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। उन्होंने जो है हेल्दी डाइट से और योगा से अपना मतलब वापस किया था, चलना शुरू किया था, नहीं तो चलना भूल गए थे।
होता है, इससे हमारा शरीर बहुत लचीला, हड्डियाँ लचीली बनती हैं और ये हमें बीमारियों से भी बचाता है योग। और इससे हमारे जो बीमारियाँ रुक जाती हैं, इससे हमारी कम होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। अभी वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर JEE, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, AIPMT, NDA एंड PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। PET हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फीस। बैच स्टार्ट्स फॉर HP पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2016। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पडल मंडी, एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2016-17। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहाटा बाजार टाउन मंडी, प्लेवे विद क्रैश। सचदेवा कॉलेज पडल नियर पुलिस थाना मंडी। CPIM ने जंगली जानवरों के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हल्ला बोला है। CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा और प्रदेश में कांग्रेस ने अपने नेताओं को किसानों का विरोध करने की खुली छूट दे रखी है। CPIM हिमाचल प्रदेश के अंदर जो दो मुख्य राजनीतिक दल है, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने सीधे रूप से ये प्रश्न करना चाहता है कि आज ये दोनों जो राजनीतिक पार्टी है, वो चंद जो एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो एक्टिविज्म है, उसको वो जिस स्तर के ऊपर इसको उठाते हैं, एक मीडिया के माध्यम से, जुडिशरी के माध्यम से, और जंगली जानवरों की एक कलिंग के बारे में उनका जो एक सोच होता है, और दूसरी तरफ जो हिमाचल प्रदेश के अंदर 90% लोग, लगभग 60 लाख लोग जो गांव के अंदर बसते हैं, उनकी जो आज समस्या जंगली जानवरों की वजह से है, तो ये दोनों राजनीतिक दल कहां पर खड़े हैं, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर के ऊपर। पिछले दिनों भारत सरकार ने कम से कम 3 राज्यों में हिमाचल सरकार की रिकमेंडेशन के ऊपर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के अंदर बंदरों को, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर जंगली सुअर को, और बिहार के अंदर नील गाय और जंगली सुअर को वर्मिन घोषित किया कि उनको मारने के लिए किसी भी तरह की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अनफॉर्चुनेटली वही BJP सरकार के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एक तरफ से इस नोटिफिकेशन को इशू करते हैं और उन्हीं के BJP के यूनियन मिनिस्टर वो बोलती है कि आप लोगों को लस्ट फॉर किलिंग एनिमल्स हैं, और उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो मिनिस्टर अभी भी एग्जिस्ट करती है मोदी जी के मंत्रिमंडल पे। हमें जानना चाहते हैं BJP से, केंद्रीय सरकार से, कि उनका स्टैंड इस विषय के बारे में क्या है, क्योंकि नीचे जो एग्जीक्यूशन एजेंसी है इस बात से टोटली कंफ्यूज हो जाती है और इस पे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जमीनी स्तर के ऊपर नहीं हो रहा। दूसरी तरफ उम्मीद थी कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, पर अभी हाल ही में यहाँ पर जो चेयरपर्सन थी रेणुका चौधरी जी, राज्यसभा की सांसद हैं, जो इन्वायरमेंट स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, वो यहाँ पर फायर, जो फॉरेस्ट फायर है, उसकी असेसमेंट के लिए आई थी। जब पत्रकारों ने उनसे शिमला में पूछा तो उनका स्टैंड भी अगेन उन चंद एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और मेनका गांधी जी के साथ था, और उनका भी मानना था कि ये जो अभी सरकार ने ये वर्मिन कुछ एनिमल्स को जो घोषित किया है, इसको वापस लिया जाए। CPIM का मानना है कि ये दोनों राजनीतिक दल, ये आज किसान के साथ नहीं है, ये केवल दिखावा है, ये चाहे नोटिफिकेशन करे या यहाँ से रिकमेंडेशन करे। हमीरपुर में आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने अब प्रदेश अध्यक्ष के बाद सांसद अनुराग पर निशाना साधा है। हमीरपुर में राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश के लिए अधिक से अधिक बजट का प्रावधान किया जाए और अनुराग ठाकुर इसमें सहयोग करें।
हमीरपुर में आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित हुई। इसमें उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन राजेंद्र राणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किस तरह से आने वाले मौसम में पूरी तरह से मुस्तैद रहें ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। जहां तक 2014 का प्रश्न है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही प्रवास पर था। घोषणा कोई नहीं हुई, बल्कि ये कहा गया है कि जहां जहां नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है उसको ठीक किया जाए, और उसके लिए प्रशासन जो है पूरी तरह काम कर रहा है, और फेसिस में जो है जो नुकसान हुआ था उसका भरपाई भी की गई है, लोगों को मुआवजा भी दिया गया है, और इसके अलावा जो पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए थे उनमें वहाँ पर जो है प्रोटेक्शन वाल्स लगाई गई हैं। आप यहाँ संधोल के साथ सिचुई जगह है, वहाँ पर 3 करोड़ रुपए का प्रोटेक्शन वाल जो है वो लगाई गई, उसके साथ उसी पूरी बेल्ट में जगह जगह जहाँ जितनी जरूरत थी भी लगाई गई, और इस झाऊ क्षेत्र में भी जहाँ जहाँ नुकसान हुआ था वो पॉइंट आइडेंटिफाई करके उनकी जो क्रेड वॉल जो है लगाए गए हैं, और भविष्य में भी आज भी ये डायरेक्शन दी गई है कि जहाँ नुकसान की संभावना है उनको ठीक किया जाए। साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि बरसातों का सीजन शुरू होने वाला, और लोगों को स्वच्छ पानी जो है दिया जाए, और जगह जगह इस बात को चेक किया जाएगा, पानी के टैंक से उनको भी चेक किया जाए, क्लोरीन जो है वहाँ पर जो है वो प्रॉपर उसका इस्तेमाल किया जाए। और इसके अलावा जहाँ तक पानी की व्यवस्था का हमीरपुर से प्रश्न है, मैं इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि हमीरपुर के लिए 68 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई की स्कीम जो नई बनी थी, जिस पर लगभग 43 करोड़ रुपया जो है वो खर्चा जा चुका है, और ब्यास सुजानपुर के वहाँ से प्लाई से जो है वो पानी जो उठा के लाया जा रहा है उसमें लगभग 18 करोड़ रुपया जो है बाकी बचता है, जिसकी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग ना करने की वजह से ये सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो रुका पड़ा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट से भी कि उनका पार्लियामेंट का हल्का है, और इसको वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जहाँ से फंडिंग होनी है उसको वहाँ से रिलीज कराएं, और एक मेंबर पार्लियामेंट का, एक इलेक्टेड कोई भी आदमी है उसका ये धर्म होता है, अपने धर्म को निभाएं और जो फंडिंग रुकी पड़ी है उसको रिलीज कराएं। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर हिमगिरी होटल मीर चौक में होटल के मालिक श्री रवि दत्त शर्मा जी 21 जून 2016 को प्रातः 6 बजे से 8:30 बजे तक निःशुल्क योग शिविर की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं शिविर की प्रभारी नूरमा शर्मा बल के प्रबुद्ध व जागरूक जनता से अनुरोध कर रही हूँ कि इस यज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें तथा स्वामी जी का स्वस्थ भारत, स्वस्थ योग गुरु भारत का सपना साकार करें। आप सभी 21 जून को घर से बाहर निकलें व योग समिति से जुड़ें। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, निश्चय हमारा खुद सा अटल है, काया में निष्ठा का बल है, सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। ओ आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज, और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। हमीरपुर कांग्रेस जिला प्रधान नरेश ठाकुर ने बताया कि 30 जून को जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, और जिस कार्यक्रम का नाम है मोदी के बोल जुमलों के ढोल।
पूरे प्रदेश में पहले चरण में इस प्रकार के कार्यक्रम किए गए और अब दूसरे चरण में हमीरपुर जिला से शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन को प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू संबोधित करेंगे। 30 तारीख को जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका नाम रखा गया मोदी के बोल और चुनाव के डोर। इससे पहले भी पूरे हिमाचल प्रदेश में एक पहले चरण में इस तरह के जिला स्तरीय कार्यक्रम किए गए। अब दूसरे चरण की जो शुरुआत हुई थी वो हमीरपुर जिला से हुई और जिला स्तरीय जो कार्यकर्ता का सम्मेलन है उसको हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी संबोधित करेंगे। और हमारा जो सभी ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दें और हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो कार्यकारिणी हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारिणी हैं, जितने भी हमारे फ्रंटल विभाग हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस जिला स्तरीय कार्यक्रम को सफल बनाने में भी अपना पूर्ण सहयोग करें। और इसी की तैयारी को लेकर हमने 22 तारीख को 12 बजे तहसील के सामने का जो हमारा रेस्ट हाउस है उसमें जिला स्तरीय जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया जा रहा है और उसमें सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षों को बुलाया गया है और उसमें इसकी रूपरेखा जो है वो तय की जाएगी। कितनी भीड़ रहेगी इस सम्मेलन में? हमारा लक्ष्य रहेगा कि इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में, क्योंकि ये जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है तो इसमें मुख्यतः हमारे हर कंस्टिट्यूंसी वाइज 500 के करीब जो कार्यकर्ता है वो इस सम्मेलन में भाग लेंगे। 2500 लगभग जिला स्तरीय 2500। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन 30 जून को जिला हमीरपुर में अधिवेशन करने जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार की नाकामियों को लेकर ये अधिवेशन किया जा रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने जो वादे जनता से किए थे पूरे नहीं हो पाए हैं और बीजेपी ने इसका पलटवार करते हुए कहा कि वे पहले हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामियों के बारे में जनता को बताए जो 4 साल में पूरी ना कर सके। ये जो कांग्रेस करने जा रही है उन्होंने प्रोपेगेंडा किया हुआ है। हिमाचल के प्रदेश की जो सरकार है वो पूरे फ्लॉप हो चुकी है। 4 साल में जनता जानती है कि सरकार ने क्या काम किया है और क्या नहीं किया हुआ है। हॉस्पिटल्स के क्या हाल चाल हैं, कितने डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में हैं, स्कूलों की क्या हालत है, HRTC की आपने हाल देखी हुई है, कर्मचारी हड़तालों पर जा रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर हमला कर रही है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा जो सरकार ने केंद्र सरकार ने वादे किए थे, यदि मैं उनको गिनती करने बैठूं तो शायद आधा पौना घंटा लग जाएगा। यहाँ पे 40 से 45 परियोजनाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चला रखी हुई हैं, जिसका फायदा जनता उठा रही है और जनता को सब मालूम है कि सेंटर ने क्या किया हुआ है और प्रदेश सरकार ने क्या किया और केंद्र सरकार क्या कर रही है। आपको क्या लगता है आपसी उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसको छुपा रहे हैं, वो कुछ भी जुमले वो खुद गढ़ते हैं। उनका काम ही ये रहा है आज तक कि कोई ना कोई नया जुमला निकालना, इसलिए वो जुमले वही हटे। ये जुमला उन्होंने छोड़ा हुआ है कि जुमला ही है कि मोदी के बोलो जुमला ही है और कुछ नहीं है। जनता जानती है सब कुछ इस बारे में। आपको कि वो आने वाले 30 तारीख को पता सामने आपको भी नजर आ जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं और जनता कितना उनका साथ देती है, वो सामने आ जाएगा सारे का सारा। एक बार फिर से वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रंगटू में अंडर 14 छात्रों की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। ठाकुर पाल सिंह ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। हमीरपुर में आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने सांसद अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना, कहा प्रदेश के लिए अधिक से अधिक बजट का करवाया जाए प्रावधान। ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। इंडियन एयरफोर्स ने प्राइड फुटबॉल क्लब को 3-0 से हराकर जीता प्रतियोगिता का खिताब। और डलहौजी में बारिश से हुआ मौसम खुशनुमा, पर्यटकों ने उठाया खुशनुमा मौसम का आनंद।